कैसे गॉज इफेक्ट। अच्छा कंफर्मेशन, आइसोन इस टॉपिक पढ़ रहे हैं। कंफर्मेशन मैंने तुम्हें करवा दिए थे इथेन के, ब्यूटेन के, याद है ना? उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या था? डाइहेड्रल एंगल और टॉर्सल एंगल, और उससे रिलेटेड स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? वैंडरवाल स्ट्रेन और स्टिरिक स्ट्रेन। दूसरा स्ट्रेन कौन सा था? टॉर्सल स्ट्रेन। वो डिटेल में समझ आ गया ना? टॉर्सल स्ट्रेन मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में फ्रंट और बैक कार्बन के रिपल्शन जो होती है वो टॉर्सल स्ट्रेन। 0 से 60 के बीच में वैल्यू होती थी। और वैंडरवाल्स और स्टिरिक स्ट्रेन क्या था? जिसमें ग्रुप्स के बीच रिपल्शन चेक करते हैं। क्या देखते हैं? ग्रुप्स के बीच जितने बल्कि ग्रुप्स होंगे रिपल्शन ज्यादा होंगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हर केस में स्टेबल क्या आता है? एंटी और ट्रांसफॉर्म, याद रखें। हर केस में स्टेबल क्या आएगा? एंटी और ट्रांसफॉर्म। कुछ केसेस थे जिसमें ट्रांसफॉर्म स्टेबल नहीं आता था, कुछ केसेस थे जिसमें ट्रांसफॉर्म, जैसे मैंने अगर तुम्हें दिया ये, पहले एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर मेन टॉपिक आज होगा जो है वो है कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन जिसके ऊपर क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं नीट में भी और आईआईटी के अंदर भी, मेन वो टॉपिक होना है। तो पहले एक दो क्वेश्चन बताना है, जैसे मैंने दिया है ये कंफर्मेशन, तुम्हें बताना किसका है। CH3 H H H H H, दूसरा CH3 H H H H, ये कंफर्मेशन दिया। और तुमसे बोला विच आउट ऑफ द टू इज मोर स्टेबल एंड वाई रीजन, और कितने एनर्जी से अगर मिथाइल हाइड्रोजन इंटरेक्शन, इट कॉस्ट अराउंड एनर्जी से 10 किलोजूल पर मोल एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन एनर्जी इज 5 किलोजूल पर मोल। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है तुम्हें बताना है। विच आउट ऑफ द टू विल बी मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड। हाँ ये तुम्हें दिख रहा है कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, तो कितने अमाउंट से ज्यादा स्टेबल है ये बताना तुम्हें, कितने अमाउंट से ज्यादा स्टेबल है। कितना? 20 मतलब खोल दे। तुम लोग एक काम करो, एक आगे बैठ जाओ, आगे वाली चेयर पे चारों, और चेयर मत खिलाना ये वाली, ये तो बंद हो जाएगा। चेयर उठा लेना, आगे बैठो, तुम भी जाओ दीदी, तुम भी आगे बैठो, मन से आगे बैठो, तुम लोग आगे चले जाओ। अगले
आंसर देखो, इधर पहले वाले जो गॉज के कंफर्मेशन, पहले वाले जो कंफर्मेशन है, ये किसके कंफर्मेशन है? प्रोपेन के, पता लग गया ना, प्रोपेन के है। पहले वाले जो कंफर्मेशन है उसके अंदर कोई भी इंटरेक्शन हो रही है क्या? ना तो मिथाइल मिथाइल हो रही, मिथाइल तो एक ही है, ना तो मिथाइल हाइड्रोजन हो रही है, ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसलिए मान लिया इसकी एनर्जी अगर एक्स है, क्लियर? इसकी एनर्जी कितनी है? एक्स। इसकी एनर्जी अगर एक्स है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? इसमें एक मिथाइल हाइड्रोजन इंटरेक्शन है और दो क्या है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? 10 किलो जूल। यहाँ एनर्जी बढ़ी, 5 यहाँ बढ़ी, 5 यहाँ बढ़ी, टोटल कितनी बढ़ जाएगी? 20। तो डिफरेंस कितने का है? 20 का, जो अभी आदित्य ने आंसर दिया है। सेम आंसर, सेम x+20। तो x+20 - x, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 किलो जूल। ये क्वेश्चन ऐसे नीट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वाले। समझ आ गया कि नहीं, कैसे करना है? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? तो इस स्टेप से निकलना आना चाहिए, सही ना? इस स्टेप से निकलना आना चाहिए इसमें आंसर। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जैसे जो लास्ट स्टेप पढ़ा था उसके बेसिस पे, सपोज एमई एच सी एल, एमई सी एल एच, तो बताना है इसके, ड्रॉ स्टेबल आइसोमर्स, ड्रॉ इट्स स्टेबल आइसोमर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ड्रॉ इट्स स्टेबल आइसोमर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। कितने हैं ये बताना तुम्हें? ड्रॉ इट्स स्टेबल आइसोमर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट कितने होंगे? कितने होंगे ये बताना, स्टेबल आइसोमर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। अभी ये एडवांस का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम क्वेश्चन कराए थे मैंने इसके ऐसे। ड्रॉ स्टेबल आइसोमर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट चेक करनी है तो क्या देखेंगे? न्यूमैन निकालना हमेशा। क्या निकालोगे इसमें? न्यूमैन, पहले इसका न्यूमैन बनाना है। ड्रॉ स्टेबल आइसोमर यूजिंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। दो बने, अतुल निकाल लिया आंसर, दो। ड्रॉ स्टेबल आइसोमर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी तुम इसमें क्या बनाओगे? स्टैगर्ड फॉर्म होनी चाहिए या गॉज, यही दो स्टेबल थे ना, स्टैगर्ड या गॉज ही बनाना बस, इसके अलावा कुछ नहीं बनाएंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे पहले न्यूमैन में। ड्रॉ अदिति, अदिति यस सर, अदिति क्लास में आना, तुम्हें नेक्स्ट यस सर, ओके टाइम ध्यान रखना, सही है? ठीक चलो आंसर देखेंगे, पर देखना पहले तो उसका जो स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे पहले। पहले जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। इसका स्ट्रक्चर एमई के पीछे तुम्हें दिख रहा है, एमई है ये, तुम्हें दिख रहा है ना कि 4 कार्बन है इसके अंदर। मान लिया ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट है कार्बन, तो इधर क्या हो जाएगा? ये बैक कार्बन। और तुम्हें दिख रहा है कि ये एक्लिप्स फॉर्म में एग्जैक्टली एमई के पीछे एमई दिख रहा है कि नहीं? ये फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाले कार्बन पे क्या है? एमई है, एमई है, एच है और सीएल है, सही ना? एच है और सी एल है। बैक वाले कार्बन पे भी क्या है? एमई, एमई और सी एल के पीछे सी
एच के पीछे एच, दोनों डैश पे है ना सी एल, ये बात समझ आ गई कि नहीं? पहले ही बना लिया एक्लिप्स, क्या ये स्टेबल है? पहले हमेशा एक्लिप्स बनता है हर एक कंपाउंड का, पहले क्या बनेगा एक्लिप्स, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? कोई एमई के पीछे एमई है, एच के पीछे एच, सी एल के पीछे सी एल। तो अब ये बनाने के बाद अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैगर्ड में। अगर इसको स्टैगर्ड या गॉच में कन्वर्ट करना है, कितने से रोटेट करना पड़ेगा? 60 से, 60 से रोटेट कर दो उसको, 60 डिग्री की रोटेशन देंगे इसको, तो ये स्टेबल फॉर्म में आएगा। पहले वाला कार्बन फिक्स कर रहा हूं मैं एच ओ सी एल, फ्रंट वाला कार्बन फिक्स है बिल्कुल एम ई एच सी एल। खड़ो जाओ, इधर जाओ, तू आज बोल नहीं रहा था ना, इसलिए तेरी आवाज आ रही है सिर्फ क्लास में, तो बोल के नहीं करना ना। मैं जब यहाँ पे करा रहा हूँ तो बोल रहा तू यहाँ पे, इधर जाके तू मेरे सामने एम ई एच सी एल ये आ गया। अब इसमें 60 से रोटेट करना है, ये एम ई आ गया, ये सी एल आ गया। कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया जरूर पूछ लेना, अभी क्लास आगे आने वाली ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इजी भी होगी और टफ भी होगी। अगर तुम ध्यान से ध्यान दोगे पूरा यहाँ पे, हर एक चीज समझ आ जाएगी, नहीं तो टफ लगेगी क्लास। क्या ये समझ आ गया? सही ना, ये स्टेबल फॉर्म है ना इसकी, डायप्लोमेंट है इसकी में कि नहीं है? जब सी एल सी एल ऑपोजिट दिख गया तो डायप्लोमेंट जीरो है। तो इसके अब फिर क्या करेंगे, इसको कितने से रोटेट करेंगे? अब कितने से रोटेट करेंगे? 60 से मत करना, 60 से करोगे तो क्या बन जाएगा? एक्लिप्स। 120 से करना रोटेट, एक को फिक्स करके 120 से घुमाया, एम ई एच सी एल फिक्स है फ्रंट वाला कार्बन। अब ये सी एल आ जाएगा यहां पे, ये एच यहां पे, और ये नीचे आ जाएगा। अब फिर 60 से घुमाएंगे, 120 से, सॉरी 120 से फिर घुमाएंगे कि नहीं से? फ्रंट वाला कार्बन क्या करेंगे? फिक्स, एम ई एच सी एल, ये फिक्स है। अब ये सी एल यहां आ जाएगा, एच नीचे आ जाएगा और एम ई इधर आ जाएगा। ये अब अगर अब मैं इसको 120 से घुमाऊंगा तो क्या होगा? तो सेम आ जाएगा कि नहीं? कौन सा वाला आ जाएगा? ये वाला, 120 से घुमाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसलिए आप तो नहीं घुमाएंगे ना, तीन मिल आइसो स्टेबल आइसो कितने हैं? स्टेबल आइसो कितने हैं? तीन। क्या समझ आ गया? स्टेबल आइसो तीन है, सही ना, स्टेबल आइसो तीन है। इसमें से नॉन जीरो डायप्लोन वाले कितने हैं? दो, एक ये वाला, एक ये वाला, बीच वाले की डायप्लोन क्या आ रही है देखो, ये इधर कैंसिल हो रही है कि नहीं? क्या समझ आ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतुल्य ने निकाला सिर्फ पूरी क्लास में, सही ना? अतुल्य का सही है क्वेश्चन, ऐसे क्या अतुल्य, बहुत अच्छा, टेंथ क्लास में वो। क्या समझ आ गया कैसे करना क्वेश्चन? हमेशा पहले एक्लिप्स फॉर्म आती है, उसके बाद उसको 60 से रोटेट करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे उससे? स्टैगर्ड, फिर स्टैगर्ड से आगे तीन बनेंगे। समझ आ गया कि नहीं है? तो उसको ढंग से कर लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम कराए थे, कैसे बनाने थे वो आना चाहिए तुम्हें। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, जैसे CH2Z है, दोनों जेड है, सही ना, दोनों के दोनों क्या है? जेड। अब मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें इसके बनाने हैं कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड बनाने, इसके मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बताना तुम्हें, और स्टेबल कंपाउंड बताने हैं। क्या बताना? मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाने हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल अगर पॉसिबिलिटी है तो वो बताना तुम्हें। जैसे अगर जेड है CN, डायपोलोमेंट भी बतानी है, डायपोलोमेंट जेड अगर CN है पहला केस, जेड अगर COOH है दूसरा केस, जेड अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, वैलेंसी फ्री जरूर रखना, जेड अगर ओ एच है, डायपोलोमेंट और शेवल कंपाउंड बनाना है, डायपोलोमेंट बतानी है और शेवल कंपाउंड, जेड अगर ओ एच है, जेड अगर सी ओ ओ एन ए है, CO NA है, या फिर CO नेगेटिव लिख लो, Z अगर NO2 है, Z अगर F है, Z अगर CL है,
जेड अगर एम ई है, जेड अगर एम ई है, तो इसमें बताना तुम्हें डाइपोल मोमेंट बतानी है एक तो, सही ना, डाइपोल मोमेंट बतानी है और स्टेबल कंपाउंड बताना कौन सा होगा। और भी फॉर्म देखते हैं, जेड अगर ओ एच है, ओ एच ले लिए ना, एस एच ले लो, जेड अगर एस एच है, मैं एक बता देता हूँ इसके अंदर, मैं एक बता रहा हूँ इसके अंदर, ये फ्रंट कार्बन, ध्यान देना, ये जो कार्बन है इसको मानना है फ्रंट, ये फ्रंट है तो ये बैक, सही ना, फ्रंट कार्बन पे दो एच है और एक जेड है, फ्रंट और बैक पता लग रहे हैं ना, फ्रंट पे क्या दो एच और एक जेड, ये दिया, क्या कर रहा है, दो एच, दो एच और एक जेड, और बैक वाले कार्बन पे क्या है, दो एच और एक जेड, और तुम्हें पता है स्टेबल कौन सा आएगा, एनटी वाला स्टेबल कौन सा आएगा, यही आएगा ना, ये समझ आएगा कैसे बनाया, अब इसमें सीएन सीएन दोनों कहाँ रहेंगे, अगर जेड जी का सीएन लगा देंगे तो क्या होगा, जेड देखो इसमें जेड की जगह सी एन लगा दिया, अगर सी एन तो ऐसे आएगा कि नहीं, ऐसे आएगा कि नहीं, डबल बॉन्ड गैस की जीरो, स्टेबल बनाना है तुम्हें, सही ना, स्टेबल बताना है और डबल बॉन्ड बतानी है और डबल बॉन्ड, तो स्टेबल तो यही वाला होगा और डबल बॉन्ड क्या होगी इसकी, जीरो होगी कि नहीं, सी डबल बॉन्ड सी एन, कार्बन की कैपिटेशन क्या है एसपी है ना, एसपी मतलब लीनियर, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या समझ आ गया, सी एन है तो कैंसिल, डबल बॉन्ड और एनटी वाला ज्यादा स्टेबल, क्या क्लियर हो गया, दूसरे, अब दूसरे केस में क्या होगा, ऐसे सेकेंड केस में, सेकेंड केस में सी ओ एच में, एक एक मिनट, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच लिखा है ना, मैंने ये एच बना दे रहे हैं एक बार, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सही ना, जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच का केस है वही सी ट्रिपल बॉन्ड एन का केस होगा, क्या दोनों समझ आ गए कि मैं बताऊं लिख के दोबारा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच या सी ट्रिपल बॉन्ड एन, वो मैंने गलती से क्या लिख दिया था, एन लगा दिया था, एच आएगा वो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दोनों की डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी जीरो, वेदर इट इज सी एन और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दोनों केसेस में डायप्रोन जीरो होगी और स्टेबल कौन सा होगा, एंटी वाला, नेक्स्ट देखना, अब लेना सी ओ एच, तो सी ओ एच में क्या होगा, जीरो और नॉन जीरो, ये सी ओ एच, ये सी ओ एच है, ये एक पॉसिबिलिटीज की, ये सी ओ एच दूसरा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये दो हैं, तो अगर तुम इसकी डायपोल निकालोगे ना तो जीरो नहीं आएगी, और जीरो आएगी, सॉरी इसकी जीरो आएगी, और इसका दूसरा इस वाला जो बनाओगे, ये बता रखा है क्लास में एच, अब उसके इसका दूसरा इसमर, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अब तो जीरो नहीं आएगी ना, क्या ओ एच ओ एच वाले कैंसिल कर पाएंगे, ये इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा इसमें, तो ये इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है और इसका म्यू क्या है, जीरो है, तो ओवरऑल क्या मानते हैं, इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्या ये बता रखा है पहले, ये बता, ये हो चुका है क्वेश्चन क्या पूरा,
ये पूरा क्वेश्चन। अच्छा सीओएच सीओएच बताया, क्या ये समझ आ गया कि नहीं है? तो सीओएच वाले का एंटी ही स्टेबल है, सही ना, इसमें एंटी ही स्टेबल है, और एंटी वाले की डायपोल क्या आ रही है? नॉट जीरो, इट इज पोलर, क्लियर, इट इज पोलर, इट इज पोलर, याद रहेगा ये। अब ऐसे ही ये तीन केस खत्म हो चुके हैं ना, ये तीन केस खत्म हो चुके हैं। अब तुम बताना है OH, OH का क्या होगा OH के केस में? अगर OH आएगा तो क्या होगा? जीरो आएगी, नॉन जीरो आएगी? हाँ, इसमें OH वाले केस में नॉन जीरो। अगर OH आएगा तो ये ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन अगर ऐसे करूंगा तो क्या आएगा? जीरो। और अगर दोनों सेम, ये OH ऐसे और ये भी ऐसे, तो क्या आएगी? बाकी जगह अच्छा अच्छा है, पता है ना ये ना, तो म्यून ओवरऑल क्या मानेंगे दोनों को मिला करके? नॉन जीरो। समझ आ रहा पूरा कि नहीं है? अब OH की जगह SH कर दे तो SH SH। और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये जो मैंने ह्यूमन बना रहा हूं इसी जगह बेंजीन भी होगा तो भी डायपोन क्या होगी? सेम सेम चीज तरीके से कैलकुलेट करना, जैसे ऊपर SH है तो डायपोन क्या आएगी इसमें? नॉन जीरो, याद रखना ये। ऊपर CLCL होता तो जीरो, CLCL जीरो, CNCN जीरो, CH3CH3 जीरो, HH तो हटा दो, DD तो भी जीरो। क्या समझ आ रहा है कि नहीं? ये नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और नीट में स्पेशली आए हुए हैं इसके क्वेश्चंस, तो इसे ढंग से करना है इसको। मैंने न्यूमेन के थ्रू दिखा रहा हूं, अगर बेंजीन रिंग होगी तो भी क्या आएगा आंसर? जो इसका आ रहा आंसर वही उसका आंसर आएगा, दोनों का सेम आंसर आता है। तो एस एच भी खत्म हो गया, ये ओ एच खत्म हो गया और ये एस एच भी खत्म हो गया। अब सी ओ नेगेटिव और एनओ टू आता है अगर, सी ओ नेगेटिव और सी ओ ओ नेगेटिव और अगर नैनो टू आता है, इन दोनों केसेस में क्या आएगा? स्टेबल तो एंटी वाला होगा, इन दोनों केस में क्या होगा? दोनों में जीरो, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है ना। सी ओ नेगेटिव जैसे एक दिखा रहा हूं, दूसरा खुद करना, सी ओ नेगेटिव ये रेजोनेंस हुई इसके अंदर, माइनस हाफ चार्ज इस पे, माइनस हाफ चार्ज इस पे, यहां पे भी सेम चीज, सी ओ ओ माइनस हाफ चार्ज इस पे, माइनस हाफ चार्जेस पे, तो म्यू क्या आएगा इसका? जीरो। और एनओ टू भी होगा सेम केस, एनओ टू भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, डायप्रोन क्या आएगी? जीरो। और स्टेबल कौन सा होगा? एंटी वाला। सीओ नेगेटिव और एनओ टू समझ आ गए दोनों? सीओ नेगेटिव और एनओ टू समझ आ गए ना दोनों? नेक्स्ट स्टेप आ गया एफ और सीएल वाला। एफ वाला केस तुम याद रख लोगे अभी, एफ वाले केस में स्टेबल होता है, एफ वाले केस में स्टेबल होता है गॉच वाला। इसमें कुछ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होती है, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है ना वो ज्यादा दूर नहीं जाता है, ज्यादा दूर नहीं जा रहा तो एनर्जी इसकी कम रहती है, इसे गॉच फॉर्म स्टेबल मानते हैं। ध्यान एफ वाले केस में सिर्फ, सी एल बी आर आई में कौन सा स्टेबल होगा? एंटी बॉन्डिंग वाला, ये याद रख लेना केस, इंपॉर्टेंट केस है ना, ये केस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट वाला केस है ये। सी एल सी एल आएगा तो कौन सा स्टेबल है? एंटी वाला। एफ वाले केस में कौन सा स्टेबल है? गॉच वाला। क्या याद रहेगा ये, तो इस चीज का ध्यान रखना जरूर। नेक्स्ट नोट करना आगे, इसको मत करना, थोड़े हायर लेवल पे रीजन है इसके। अभी ना बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इंटरेक्शन, एफ वाला भी हो गया, सीएल हो गया, एमीन तो पता है तुम्हें, एमीन में कौन सा स्टेबल होगा? एंटी वाला। और डायप्रोन क्या होगी? जीरो। हो गए सारे केसेस ये समझ आ गया सारे केसेस के नहीं? तो इसमें डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना तुम आसानी से कर लोगे। अब सीओओ सीएच थ्री आता अगर जेड की जगह तो क्या होता? जेड की जगह सीओओ आर, तो डायपोल जीरो की नॉन जीरो? डायपोल क्या होगी? नॉन जीरो। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा नेक्स्ट केस में तुम्हें, नेक्स्ट केस जो लेना है तुम्हें, इसके अंदर तुम्हें लेना है CH2X, CH2Y। यहां पे एक्स और वाई अगर ग्रुप्स हैं, ओ एच ओ एच ओ एच एफ, वैलेंसी फ्री जरूर दिखाना, ओ एच एन एच टू, ओ एच एन एच टू,
सीओ नेगेटिव, सीओ नेगेटिव। NH3+ CO नेगेटिव, NH3+ CO नेगेटिव, एफ एफ सीएल सीएल, OH NO2। तो तुम्हें बताना है शेवल कौन सा है। शेवल क्या होता है, या तो गॉच होता है या फिर एंटी। तो इनमें तुम्हें बताना कि कौन सा शेवल है। निकाल लिया पहला केस। ओ एच वॉच में कौन सा स्टेबल, ओ एच वॉच में कौन सा स्टेबल है। अभी भी एंटी बोल रहे हो, वॉच नहीं है। जानता हूँ ओ एच क्या हो जाएगी, इंटरमोलेक्युलर बॉन्डिंग। अब अभी तक जितना पढ़ा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एक डायपोल मोड वाला और ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, यही क्वेश्चन आने हैं। बोलेगा ग्लाइकोल की, ये ओ एच वॉच लगा दिया, बोलेगा ग्लाइकोल की कौन सी फॉर्म स्टेबल, तो क्या बोलोगे। गॉज फॉर्म, नहीं गॉज फॉर्म स्क्यू और गॉज फॉर्म स्टेबल। ऐसे ओ एच एफ है तो तब भी यही सेम, ये एफ आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी कि नहीं। यहां पे एक ओ एच है, एक एफ है, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं। ओ एच के एफ के साथ हो जाएगी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी स्टेबल ज्यादा। ये मेन रीजन नहीं है, लेकिन एक बस याद करवाने के लिए आंसर आएगा तो तुम्हें लिख के यही आना है, इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मेन रीजन नहीं है इसका। अच्छा ओ एच एन एच टू है, सेम आंसर। ओ एच एन एच टू सेम आंसर आएगा कि नहीं। सी ओ नेगेटिव, सी ओ नेगेटिव। अब सेवल कौन सा होगा ज्यादा, अब तो एंटी होगा ना, अब तो दोनों नेगेटिव ग्रुप में क्या होगी, रिपल्शन। तो कौन सा सेवल होगा, एंटी फॉर्म। इस केस में एंटी फॉर्म सेवल है, सी ओ नेगेटिव ऊपर रहेगा और सी ओ नेगेटिव नीचे रहेगा। नेक्स्ट वाले में एन एच थ्री प्लस सी ओ नेगेटिव, NH3+ CO नेगेटिव। अब क्या इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन अट्रैक्शन होंगी कि नहीं, आयनिक अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब ग्रुप पास होंगे तभी होगी ये, तो कौन सा सेवल, ये ध्यान रख लेना, इसी के ऊपर क्वेश्चन आना है, कंफर्मेशन के ऊपर 99% इससे ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्या समझ आ गए। नेक्स्ट एफ एफ में अभी बताया थोड़ी देर पहले कौन सा था, स्पेशल केस था, ये गॉच स्टेबल है, लेकिन बाकी में सीएल में बीआर में आई में इसमें गॉच और बाकी में एंटी। ओ एच एनओ टू में क्या क्लियर होगी, बात है कि नहीं है। इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, बिल्कुल 99% तो यही ग्लाइकोल देंगे, 99% यही है ग्लाइकोल ही देंगे, लेकिन बाकी भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी भी दे सकते हैं, तो उसको ढंग से कर लेना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो ये यहाँ पे होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर के क्वेश्चंस और प्लस डाइपोल मोमेंट के, स्टेबिलिटी ऑर्डर और डाइपोल मोमेंट दोनों आना चाहिए, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके। सही, नेक्स्ट नोट करना। और जो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन जो कराया था, याद है ना, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, क्या निकाल लोगे इस टाइप से करके। पहले क्या बनाओगे, एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स से कन्वर्ट करेंगे 60 डिग्री से कौन सी फॉर्म में,
स्टैगर्ड में, और उसके बाद 60 से करने के बाद 120 120 दो बार करेंगे वो अपने बार लास्ट आ जाएगा, उसके बाद करेंगे दोबारा तो क्या जाएगा रिपीट हो जाएगा। तो तीन तो आएंगी हमेशा, तीन हमेशा आएंगी, और उसमें से डिपेंड करेगा क्या कंडीशन दे रखी है वो दो में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे सीएल और बीआर होता तब आंसर क्या होता, सीएल सीएल किया था ना मैंने, अगर सीएल और बीआर होता तब आंसर कितना आता, तीन, तब तो तीन, कोई डेप्रोन जीरो नहीं होती क्योंकि अब तो कैंसिल नहीं हो सकती ना। क्या समझ आ गया इतना, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें बोला ये ट्राई करना तुम्हें, ये ले लिया CH2 CH2 CH3। सपोज ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, तो इसका न्यूमन प्लॉट करना था। कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन आता है इसके अंदर CH3 CH2 CH2 CH3, मान लो ये है, मैंने कहा ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, इसका न्यूमन तुम्हें बनाना है, इसका न्यूमन बनाना है, बना लोगे कि नहीं? किसी को भी फ्रंट किसी को बैक मान सकते हैं कि नहीं, किसी को भी फ्रंट किसी को भी बैक, अगर इसका न्यूमन बनाना है तो क्या करेंगे, ये बना दिया मैंने पहले, ये तो चलना ही है पूरा पता है ना, स्टेबल वाले बनाने हैं, ये तो चलेगा ही चलेगा। अब इसमें क्या आएगा, पहले फ्रंट वाले कार्बन पे क्या है, इस वाले कार्बन में क्या है, तीन एच, तीन एच है, बैक वाले कार्बन पे क्या है, दो एच और एक CH2 CH3 CH5, दो एच और एक CH5, कहीं भी लगा सकते हैं कि नहीं, कहीं भी लगा सकते हैं कि नहीं, ये स्टेबल फॉर्म है इसकी, ये इसकी स्टेबल फॉर्म है। और इसमें अगर मैं इसको फ्रंट मानता हूं तो इसमें कितने स्टेबल आएंगे, एक ही आएगा ना, क्यों आएगा एक, क्योंकि इस कार्बन के साथ तीन सेम है, याद आया कुछ नहीं, पूरे मॉलिक्यूल को घुमाने से नहीं याद आ रहा कुछ भी। और ऐसे ही अब बैक, अगर फ्रंट बैक इसको मान लें तब कितने आएंगे, तब कितने आएंगे, कितने आएंगे ये बताओ पहले, एक आएगा तीन आएंगे, अब आंसर हमेशा क्या आता है, एक या तीन, आंसर क्या आएगा हमेशा, एक या तीन, कंडीशन अलग दे रखी हो तो स्टेबिलिटी डिफर कर सकती है, नहीं तो आंसर दिमाग में रख लो हमेशा, क्या आएगा, आंसर विल ऑलवेज बी वन और थ्री, ना? और इसके अराउंड कितने आएंगे, अगर ये फ्रंट बैक हो जाते हैं, फ्रंट बैक तब कितने आएंगे, एक ही आएगा, इसके राउंड तो स्टैगर्ड ही आएगा, इसके राउंड स्टैगर्ड आएगा, इसमें क्या आएगा, स्टैगर्ड यानी एंटी गॉच और गॉच डैश, याद आ गया कि नहीं, गॉच और गॉच डैश ध्यान आ गया कि नहीं है। तो अब तुम्हें एक मैंने एग्जांपल दे दिया, तुम्हें इसमें फ्रंट और बैक क्या मानना है पता लग गया ना, उसको मानते हुए आंसर निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे और रिजॉइन कर लेंगे।